वेलकम बैक सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे एक और नए अमेजिंग ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड तो गाइस देखिए अभी TS6 बस हाल ही में हुआ ही आधा घंटा हुआ है गाइस। एंड जितनी भी मतलब अभी देखिए हमारे पास फुल गोल्डन फुल एलिक्सर था तो हमने क्या किया ना गाइस, जो नई वॉल्स खुली थी इन्हें पहले 5 का किया, उसके बाद में ट्रेजरी कलेक्ट करके 6 का कर दिया नई वॉल्स को एंड कुछ पुरानी वॉल्स। अब टोटली गाइस हो तो गई मतलब 84 वॉल्स बची है एंड 42 वॉल्स हो गई है। देख लेते हैं तो 82 रिमेनिंग है, 43 हो गई है। तो गाइस देखिए अभी हमारे वैसे तो सब कुछ ही अपग्रेड्स पड़ा है एंड अभी हमने ये 4 चीज़ें छोड़ी हुई है गाइस, ठीक है। ये मैं रात को मतलब रात को एक बिल्डर फ्री होगा गाइस तब मैं SP पर लगा दूंगा बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एंड ये तीनों एक साथ लगा दूंगा कल बिकॉज कल जो है तीनों बिल्डर फ्री हो जाएंगे हमारे। देखिए मैंने जब वॉल किया तब मेरे पास हो गए थे 22,000 गोल्ड। हमने यहाँ पे जाके 3 प्रैक्टिस खुली थी 2-2 लाख की 6 लाख मार के लूट गए। उसके बाद में हमने क्या किया यहाँ अटैक कर दिया, अटैक यहाँ पे एक ट्रेजरी आ रखी थी वो भी हमने कलेक्ट कर ली। देन उसके बाद में गए हमारे पास ये इतने गोल्ड हो गए एंड अभी इन्वेस्ट गोल्ड नहीं कर सकता बिकॉज आते ही मैंने क्या किया ना ये वॉल्स वगैरह इन्वेस्ट करके गाइस बैरक्स लेबोरेटरी एंड एक आर्मी कैंप लगा दिया हमने। एंड नेक्स्ट जो अपग्रेड होगा हमारा वो तीनों नए डिफेंस होंगे। एयर स्वीपर जो होगा वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगा इसकी जगह एंड बहुत फिलहाल बहुत अच्छा बेस हमने सेट किया हुआ है एंड में भी बहुत अच्छा है एंड लेबोरेटरी में भी हम कल फुल इन्वेस्ट कर देंगे बिकॉज जब मैं कल लगाऊंगा ये सारे 3 नई डिफेंस बिकॉज SP पर तो तब लग चुका होगा क्योंकि रात से सुबह तक 8 घंटे हो जाते हैं एंड ये तीनों जब मैं लगाऊंगा तो ये तीनों गोल्ड पे लगेंगे एंड गाइस गोल्ड जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 तो नहीं होगा बट वैसे ही कम हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगा। देन उसके बाद में देखिए गाइस हमारी हीलर भी खुल जाएगी एंड हीलर खुलने के बाद में गाइस हमें एक एक करके सारे बैरक्स में खोल देंगे एंड लेबोरेटरी पे जाते ही हम ये और ये सब 3 का कर देंगे, मैक्स हो जाएगी लेबोरेटरी इजीली। फिर जो लीग मेडल्स मिले हैं गाइस वो मैं एक आध बार मैं ये 25-25 करके 25 लाख का खरीद लूँगा ताकि वॉल्स को करने में ज़्यादा आसानी हो एंड बाकी जो 200 के आसपास मेडल्स मिलेंगे क्रिस्टल लीग है गाइस तो मैं सोच रहा हूँ कि मे बी मैं हैमर और बिल्डिंग लूँ या फिर अभी फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं है, बाद में देखेंगे। एंड जो कलेक्टर्स खुले हैं वो मतलब जो नए कलेक्टर्स थे वो मैंने खोल के यहाँ लगा दिए हैं तो अब नाइट में भी बिल्डर ऑल 4 हो चुका है एंड कुछ हद तक मैक्स था, कुछ हद तक मतलब BH3 कुछ तो नहीं, डिफेंस में तो सब मैक्स था क्रशर को छोड़ के। एयर बॉम्ब्स तो मैंने खोले ही अभी हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। देन यहाँ पे हमारा लैब भी मैक्स है, बस एक बॉम्बर है, बाकी एक अटैक करते हैं एंड बातें करते हैं कुछ। तो गाइस देखिए जैसा कि आप सभी को पता है मैजिक आइटम हम नहीं ले पाए बिकॉज हमारे पास जो क्लैन गेम थे वो TS6 पे थे एंड मैं TH5 के कलेक्टर्स पड़े थे गाइस, तो मैं अगर कलेक्टर किए बिना जाता तो गाइस क्या होता ना कि मेरा
pH थोड़ा मैक्स होने से छूट जाता है एंड इससे बहुत असर पड़ता है मे भी आगे चल के मैक्स करने में। इसलिए गाइस पहले से ही मैक्स करके चलो स्टार्टिंग, तो ज़्यादा आसानी होगी। आई सजेस्ट यू। तो अब यहाँ पर BH तो हम तोड़ सकते हैं इजीली। जहाँ तक रही TH7 की बात, तो मैं TH8 तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं एक मैक्सर हूँ एंड मुझे पता है कि मैक्स कैसे करते हैं, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा TH6 का प्रोग्रेस, मतलब अभी जो मैंने अपग्रेड्स लगाए हैं वो, और मेरा आइडिया सुनना अच्छा लगा या फिर मेरी स्टोरेज देख के अच्छा लगा, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड प्लीज़ डू कमेंट। रैंडम मत करना, कोई अच्छा सा कर देना, पिक कर लूँगा मैं विनर। तो बस वीडियो को एंड करते हैं।